You don't wanna fuck with me. Don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet underground. I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates Toby. Force like I'm Obi. You know the one Kenobi. So, aur mere bhai log, kya hal chal yaar? तो आज की गेम प्ले में हम उतर रहे थे रोजोक, और रोजोक में दो स्क्वाड आ रही थी। और आज की गेम प्ले में बहुत सिंपल सा चिकन है, तो गेम प्ले को पूरा देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। और आप सभी जानते होंगे कि रोजोक में गन नहीं मिलती, तो चलिए गन ढूंढते हैं और रश करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पर पूरी रोजोक में एक डेजर्ट एगल मिलती है। तो यहाँ पर मेरे टीममेट भाई मुझे उजी देते हैं सिर्फ 8 हेमो के साथ। तो चलिए 8 हेमो के साथ तबाही मचाते हैं। बहुत ज़्यादा हेमो ये। फिर उसके बाद मैं छत पे जाता हूँ तो मुझे AKM और M16 मिल जाती है, तो बड़ी मेहरबानी है रोजोक साहब। फिर दोस्तों मुझे रोजो की हिल के पास एक बंदा स्पॉट होता है, जिसको मैंने थोड़ी सी हिट देने की कोशिश की, लेकिन एक भी हिट हुई नहीं। उसके बाद मैंने बिना स्मोक किए रोड क्रॉस करने की जरूरत की, लेकिन उसके बाद मुझे सामने ये सैक में एक बंदा स्पॉट हुआ, जिसको मैंने नॉकआउट कर दिया। इसको मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ। फिर मैं इस छत पर आता हूँ तो मुझे यहाँ पे दो स्क्वाड लड़ते हुए दिखती है, और यहाँ पे मैं कुछ बंदे को डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक भी नॉक नहीं होता। तो मैं डायरेक्ट रश करने का प्लान बना लेता हूँ अपने टीममेट के साथ। फिर उसके बाद इस छोटे से सैक में एक बंदा स्पॉट होता है, जिसको मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन उसके बाद पीछे आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक नेड स्पॉट होता है। फिर उसके बाद एक पेड़ पे एक और बंदा होता है, जिसको मैं नॉक करके फिनिश भी कर देता हूँ। उसके बाद इस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था, तो मैं हीलिंग करता हूँ, और मुझे डर भी लग रहा था कि इस घर में जो बंदा है वो मुझे मार वार ना दे बाहर आके, तो मेरे टीममेट आ जाते हैं यहाँ। फिर उसके बाद मेरे टीममेट पीछे से रश कर देता है, तो मैं इधर से रश करके इस बंदे को ख़त्म कर देता हूँ। मुझे यहाँ जाके मुझे पूरी लूट अच्छे से मिलती है। फिर इसके बाद यहाँ पे दो बॉट लड़ रहे थे, तो मेरे और मेरे टीममेट में रेस लगती है कि दोनों में से कौन बॉटों को मारेगा। लेकिन मैं आराम से यहाँ पे लेफ्ट में जाके आराम से दोनों बॉट को खिला लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं जब बॉट लूट के इधर जा रहा था, तो मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, लेकिन मेरे स्टारे रिलोड पे लग जाती है, तो मुझे लगा ये बहुत है, लेकिन ये रियल बंदा था, इसको मैंने नॉक कर दिया। फिर दूसरे बंदे को मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसको मेरा टीममेट गिरा देता है। और फिर यहाँ पे पूरा रोजोक साफ हो जाता है, तो मैं गाड़ी लेके यहाँ से निकलता हूँ। अपार्टमेंट के पास जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक सामने गाड़ी स्पॉट होती है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा घुमाता है। और यहाँ पे पहले से एक स्क्वाड थी, और ये दो बंदे आ जाते हैं, और अलग से भी दो बंदे आ जाते हैं, तो बहुत ही इंटेंस सिचुएशन हो जाती है। फिर उसके बाद मैं जैसे ही अंदर आता हूँ, तो मुझे गाड़ी में एक बंदा दिखता है, जिसको मैंने डैमेज किया, लेकिन उसके बाद वो अपने पेड़ के पीछे चला जाता है और डैमेज देता ही रह गया। फिर उसके बाद टीममेट उसको मार देता है। और उसके बाद इस अपार्टमेंट से भी एक बंदे की साउंड आ रही थी,
जिसको मारने मैं ऊपर जाता हूँ लेकिन वो बंदा नीचे कूद जाता है मेरे टीममेट को किल देने के लिए। वाह, और इसके बाद मैं जैसे इसे लूटने वाला था उसको मुझे पहाड़ी से पड़ने लगे, तो मैं यहाँ पे अंदर आके मैं हीलिंग करके बंदे को देख ही रहा था तभी पीछे की तरफ से भी तीन बंदों की स्क्वाड आ गई और हम यहाँ पे दो स्क्वाड के बीच में पिसने वाले थे। फिर मैंने सोचा कि मैं ऊपर से थोड़ा एंगल वेंगल लूँ, तभी मुझे पहाड़ी की तरफ एक स्मोक में एक बंदा स्पॉट होता है तो मैं उसको नॉक कर देता हूँ और फिनिश के कगार पे छोड़ देता हूँ। तभी यहाँ पे एक और स्क्वाड आ जाती है। अब इस पूरे अपार्टमेंट्स में कम से कम 4 से 5 स्क्वाड आ गई और एग्जैक्ट टाइम पे मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई अंदर चल जाओ, लेकिन वो बंदे टीममेट को भी नॉक कर देते हैं। लेकिन सिचुएशन संभालने के लिए मैं भी इनमें से एक नॉक कर देता हूँ। I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet, don't wanna fuck with me. Don't wanna test your luck with me. फिर टीममेट को रिवाइव देके मैं ऊपर जाता हूँ थोड़ा अच्छा एंगल लेने के लिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ से ऊपर से एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। फिर उसके बाद मुझे एक और बंदा स्पॉट होता है जिसको मैं नॉक कर देता हूँ लेकिन वो मेरे टीममेट को भी नॉक कर देता है। फिर मेरा टीममेट बोलता है कि ऑल डेड, तो मैं भी सोच लेता हूँ कि ऑल डेड हो गए हैं तो मैं आराम से यहाँ पे स्मोक करके रिवाइव देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं उन्हें जब भी लूटने जाता हूँ तो मुझे फुटस्टेप आते हैं दो बंदों के, तो एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ और दूसरे को भी आराम से हिला देता हूँ। और उसके बाद पेड़ भर लूट के आराम से अपनी फास्ट फॉरवर्ड हैक लगा के आराम से जोन में निकलते हैं। और जोन जो था वो ब्रिज के उस पार बना था, यानी कि ब्रिज ब्लॉक होने के फुल चांसेस थे। तो मैं आप सभी को प्रेफर करूंगा कि अगर लास्ट जोन में ब्रिज कैंप हो रहा हो तो ब्रिज के आने का कोई मतलब नहीं बनता, तो पानी से जाइए या बोट से जाइए। और यहाँ पे मैं फास्ट हैक लगा के पानी से जाऊंगा। और फास्ट हैक की मदद से हम एक तरफ से दूसरी तरफ आ जाते हैं। और मैंने अलाइव पे देखा ही नहीं था कि यहाँ पे इतने कम बंदे बच रहे थे, तो हम यहाँ पे फुल रस के मूड में थे और जहाँ बंदे मिलते वहाँ पे उनको आराम से खिलाते। और यहाँ पे मुझे बगी के साउंड आती है, तो एक बंदे को मैं तो बगी से उतार देता हूँ और दोनों बंदे को मेरे टीममेट आराम से मार देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे ऐसी एक और गेम प्ले के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।